कि आप सभी जानते हैं कि विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, जिन्होंने योगा को विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसे वह योगाचार्य जो विश्व तक हमारे योग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हमारे खजुराहो पर्यटन नगरी से भी बड़ी संख्या में योगाचार्य हैं जो विदेशों तक जाकर के अपने योग का प्रचार प्रसार करके हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का भी विकास कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही योगाचार आज हमारे बीच हैं खजुराहो से, श्री राघव पाठक जी, एक ऐसे योगाचार जिन्होंने देश विदेश में इस योग की क्रियाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को सिखाया और पढ़ाया है। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे विश्व योग दिवस पर, डॉक्टर राघव पाठक जी से। डॉक्टर राघव पाठक जी, बुंदेलखंड पल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद राजीव जी। आप क्या कहना चाहेंगे विश्व योग दिवस पर, खासतौर से इस बड़ी उपलब्धि को लेकर जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया? देखिए, हम तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने योग को उस आयाम तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निर्वहन की जिसके लिए योग को जाना जाना चाहिए। विश्व तो पहले से योग को स्वीकारने लगा था, लेकिन उसको जो पहचान दिलाई वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों से। आप भी काफी समय से योग को लेकर के योग क्रियाएं करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, कितने देशों की यात्राएं आपने योग को लेकर की? लगभग अभी तक मैं 12 देशों की, यूरोपीय देशों की यात्रा कर चुका हूँ, जिनमें से मेरे अभी 3 सेंटर चलते हैं। एक तो नीदरलैंड्स में हमारा आर्नेम के पास ऑस्टरबेक है, दूसरा हमारा सेंटर म्यूनिक में चलता है जर्मनी में, और तीसरा ट्रेविसो जो वेनिस के पास एक शहर है इटली का, वहां पर चलता है। योग की क्रियाओं को लेकर जिस तरह से काफी कुछ अभी भी बहुत से लोग अनिविद्ध हैं, तो क्या आप नहीं मानते कि जो आज की क्रियाएं की जाती हैं उनमें कहीं कोई ना कोई कमी होती है, या इतने अधिक प्रशिक्षित लोग नहीं होते हैं और वो योग की क्रियाएं सिखाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते होंगे? देखिए, योग विज्ञान है, जब तक इसके पीछे आपको वैज्ञानिक समझ नहीं है तब तक आप योग के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। ये बात अलग है कि आपको प्यास लगी, आपने एक घूंट भी पानी पी लिया तो वो प्यास को बुझाने का काम करेगा। ठीक इसी प्रकार योग के साथ भी, आप कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी आपने हाथ पैर चला लिए तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन यदि पूरा लाभ आपको चाहिए तो उसकी वैज्ञानिक परख को समझ रखने वाले लोगों से ही आपको मिलना चाहिए और प्रॉपर सलाह लेकर के उसका अभ्यास करना चाहिए। योग की क्रियाओं को लेकर विदेशियों में किस तरह की पहल देखी जाती है, किस तरह की उत्सुकता आपने देखी? देखिए, योगी जो विदेशी या विदेशी पर्यटक योग से जुड़ता है वो इसकी वैज्ञानिकता के आधार पर जुड़ता है, ना कि इसमें भावना के आधार पर। हमारा जो धर्म है या हमारे जो देश में इसकी प्रासंगिकता है वो भावना के आधार पर ज्यादा है बजाय कि इसके वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर। हमको कहीं ना कहीं इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा जैसा कि विदेशियों ने किया है। हमारे खजुराहो के जो मंदिर है, योग और कला अध्यात्म को लेकर माना जाता है कि हमारे खजुराहो की जो कला है वो योग और अध्यात्म को लेकर के है, तो आप खजुराहो को आप किस तरह जोड़ना चाहेंगे योग को लेकर? देखिए, खजुराहो समग्र योग का केंद्र है। यहाँ पर यदि कहीं पर विश्व में, हमारे देश में भी कहीं पर कोई भी तीर्थ स्थल है वो अगर 180 डिग्री पर संदेश देता है, आधा संदेश देता है, तो खजुराहो 360 डिग्री पर संदेश दे रहा है, समग्र दृष्टिकोण से जीवन का दर्शन करा रहा है। तो खजुराहो की प्रासंगिकता सभी जगह से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। योग को लेकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण योगदान है और इसको हमने आज विश्व स्तर पर व्यापक किया है प्रचार प्रसार, और आज पूरी दुनिया ने माना है कि योग महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी का हार्दिक धन्यवाद इस क्षेत्र में काम करने के लिए। योग की जो ऊर्जा है इसमें ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा काम करती है। आज यदि नरेंद्र मोदी जी कोई कार्य कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे क्षेत्र से ही एक संत अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा के बल पर ही काम कर पा रहे हैं। तो गृहस्थ संत का कार्य अलग होता है और ब्रह्मचारी संत का कार्य अलग होता है, तो ब्रह्मचारी संत जो कर सकता है उसने किया है और कर रहे हैं। विश्व योग दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? विश्व योग दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग के महत्व को समझें। एक लाइन में आपको योग का संदेश दे दूं कि अध्यात्म की आप अतिरेक में ना जाएं, भौतिकता की अतिरेक में ना जाएं, दोनों का संतुलन पाना है तो आपको योग में आना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, और निश्चित रूप से योग की क्रियाएं नियमित की जाने वाली क्रिया है, ये एक दिन तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। भले ही विश्व योग दिवस पर पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया योग की क्रियाएं करता है, तो मैं तो आज विश्व योग दिवस पर यही संदेश देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप ये क्रिया नियमित करें और तरीके से करें, जो प्रशिक्षित लोग हैं उनसे प्रशिक्षण लेकर के फिर आप इनकी क्रियाओं को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर को लाभ मिलेगा। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला फिर एक बार किसी शख्सियत के साथ आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।